हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे उस और उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। देन आपको प्रूफ करना है 1 - x² d2y / dx² - x (dy/dx) - 2 = 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास? साइन इनवर्स x। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे, क्योंकि d2y / dx² हमें निकालना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहां पे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये तो स्टूडेंट्स dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसके आगे क्या लग जाएगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो इसको x मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x, तो x की वैल्यू क्या है, 2 × sin इनवर्स x × d/dx ऑफ क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 sin inverse x × में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1/(1 - x²) का अंडर रूट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है, हमेशा यह माइंड में रखिए कि हमें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये जो है, अगर इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 1 - x² का अंडर रूट इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2 sin inverse x, यहाँ तक आ गया है। अब देखो फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि d2y/dx² लेके आना है हमें। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो देखो दोनों तरफ क्या लग जाएगा आपका, d/dx, और ये क्या हो जाएगा आपका, 1 - x² का अंडर रूट इंटू dy/dx, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। साथ में कि इधर क्या बच गया है, ये 2 तो आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 2 × d/dx ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक यानी कि एक फंक्शन तो क्या है, 1 - x² का अंडर रूट, और दूसरा फंक्शन dy/dx है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाले मेथड से हो जाएगा, और इसका तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता ही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या है, इसको फर्स्ट मान लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1 - x² का अंडर रूट ये, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y/dx² फिर प्लस, अब हम इसको dy/dx को बाहर रखेंगे, dy/dx, और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो यहाँ पे 1/2√x क्या है, यहाँ पे 1 - x² इंटू dy/dx ऑफ किसका हो जाएगा, 1 - x² का, तो यहाँ पे 1 - x² का dy/dx अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, इधर ये आपका 2 चल ही रहा है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1/(1 - x² का अंडर रूट होता है, ये बन गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 1 - x² डिवाइड में है तो क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 - x² × d2y/dx² प्लस, यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है और ये माइनस है, तो इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे, -x/(1 - x² का अंडर रूट, सॉरी ये ऊपर आएगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 - x² का अंडर रूट, ये दोनों आपस में फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या बच जाएगा, इंटू में dy/dx इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना होगा, इस 2 को भी इधर लेके आना पड़ेगा, और क्या बचा हुआ है वो हम लिख देंगे, 1 - x² × d2y/dx² - का यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचा हुआ है x × 1 सॉरी x × dy/
डी एक्स, और ये टू भी इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, यही पार्ट प्रूफ करना था जो हमारा हो चुका है, तो इसका मतलब है ये जो है आपका, ये आपका आंसर हो गया है। हम यहाँ पे कह देंगे कि ये हमारा प्रूफ हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, देन हमें प्रूफ कर, ये जो फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एक्स किस में है, थीटा में, यानी कि एक्स में ये जो फंक्शन है वो थीटा के टर्म्स में, इसका मतलब थीटा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे भी पैरामीटर है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जैसे जब हमने सोल्व की थी या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डीवाई बाई डी एक्स निकाला था, उसी मेथड से इसका डीवाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ से, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए कोस क्यूब थीटा, तब हम इसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो ए बाहर आ जाएगा आपका, और इसका डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा की पावर कितनी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ए तो बाहर ही चल रहा है, यहाँ पे थ्री कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी एक्स बाई डी, सॉरी थीटा है ये टी नहीं है, थीटा इज इक्वल टू थ्री ए कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू में साइन थीटा, और ये देखो माइनस को हम आगे ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर एक दे सकते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वाई को उठाएंगे, तो वाई से भी डी वाई बाई डी थीटा हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ना हो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, a साइन क्यूब थीटा, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि a आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा, ये हो गया है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, dy वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थ्री बाहर, थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कोस थीटा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपोन में डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ये रहा आपका थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और आपके पास जो डी एक्स बाई डी थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, ये है आपके पास, ये रही, तो यहाँ पे माइनस थ्री ए कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे कुछ टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगे, देखिए देखिए साइन थीटा कैंसिल होगी, कोस थीटा से कोस थीटा और 3a से 3a, बाकी ये क्या बच गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है वो ऊपर देखो साइन थीटा बचा हुआ है और नीचे माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा बटे में माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, ये हमारे पास बच गया है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें पता है हमें निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि टेकिंग डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स ले लेते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस बाहर d बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का हम डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस तो बाहर है, टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, अब आपको पता है थीटा का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स, अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, बाकी तो हमारा निकल चुका है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो आपको पता है स्टूडेंट d थीटा बाई डी
डी एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में डी एक्स बाई डी थीटा है, अगर यहाँ से इसको हम उल्टा कर दें इक्वेशन नंबर एक से डी थीटा बाई डी एक्स का निकाले तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपोन माइनस थ्री ए कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू रख सकते हैं हम डी थीटा बाई डी एक्स की जगह, तो वहाँ पर ये वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास डी टू वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये वैल्यू इस डी थीटा बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन अपोन माइनस थ्री ए कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकल करके आ गया है। अब हमें पता है ये इसकी वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन एट थीटा एक्स इज इक्वल टू कहाँ पर निकालनी है, पाई बाई फोर पे, एक्स नहीं ये थीटा है, थीटा इजिकल टू पाई बाई फोर पे हमें निकालनी है। तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू पाई बाई फोर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा हमारा, तो डी टू वाई यहाँ पे डी टू वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई फोर यहाँ पे, वो बाकी कुछ नहीं है, नीचे क्या बच गया आपका थ्री ए माइनस का, तो ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या बच गया कोस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर और साइन पाई बाई फोर। स्टूडेंट अब मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ जो बाकी पार्ट है, तो आपको पता है sec पाई बाई फोर क्या होता है रूट टू, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जो ये वैल्यू है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वो रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका ये थ्री ए नीचे चली रहा है आपका थ्री ए कोस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है रूट वन बाई रूट टू, सॉरी वन बाई रूट टू ये हो जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो ऊपर वाला पार्ट